हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सैवंथ लैक्चर के CSP.NET देख के नैक्सट टॉपिक देखेंगे जो कि साडा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, तो वीडियो नू स्टार्ट करने तो पहले तुसी मेरे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब कर लवो जेकर तुसी इसनू सबसक्राइब नहीं किया है, ताकि तुहानू रैगूलर की है न्यू वीडियोज़ से की है अपडेट्स मिलती रहे। तो हुण स्टार्ट करते हैं असीं टॉपिक नू कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम असं की बोलते हैं, CLRB बोलते हैं। एक एक रन टाइम इनवायरमेंट है। रन टाइम की है जो असी अपने प्रोग्राम नू की आ कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइम सानू के प्रोवाइड हुंदा, राइट। तो एक एक तरह का .NET फ्रेमवर्क का कि एक हार्ट ते सॉल है, ठीक है, जिहड़ा कि पॉपुलरली जाने जाता CLR दे नाम तो। ठीक है, CLR की है, सानू प्रोवाइड करता कंपाइलिंग, प्रोवाइड अस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता कंपाइलिंग टाइम ते जो असी की आ अपने प्रोग्राम नू के कंपाइल करते हैं। इहदा मेन फंक्शन की, इहदा मेन काम की है, कन्वर्ट करता है मैनेज्ड कोड नू की नेटिव कोड दे विच कन्वर्ट करना, इहदा की मेन फंक्शन आ। इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसिज दैट इनकलूड, ए की आ कुछ सर्विसिज प्रोवाइड करता सानू जो कि इनकलूड है, जिवें लोड करना प्रोग्राम नू, फिर उन्हों एग्जीक्यूट करना, लोड करना मैमरी दे विचों लोड करना, ठीक है, एग्जीक्यूशन दे लई। नैक्सट उन्हों की एग्जीक्यूट करना, फिर उसकी वेरीफिकेशन ऑफ टाइप सेफ्टी, फिर उसकी की वेरीफिकेशन करना, चेक करना कि किस टाइप का डेटा है ये, ठीक है। तो मैमरी मैनेजमेंट, बाद विच उन्हों की मैमरी एलोकेट करना, उसकी मैमरी नू मैनेज करना, फिर मैनेजिंग एक्सैप्शनज एंड एरर्स, जो भी उस एरर्स होक्सैप्शनज होना क्या मैनेज करना, यह सारा काम कि थ्रू किया जाता कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक रन टाइम तो जो भी सर्विसिज सू की जरूरत होंगी सर्विसिज की जड़िया भी, वह प्रोवाइड करता कौन करता, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जिमें पहले असं प्रोग्राम के मैमरी लोड करते हैं, फिर उन्होंने एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो टाइप चैक करते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पर कि किस टाइप का डेटा है, राइट। फिर वो मैमरी किदा देनी है, कि किदा उन्होंने मैमरी मैनेजमेंट दे विच की आ सैट करना, किस तरह उन्होंने मैमरी एलोकेट करनी आ, फिर वो एरर्स मैनेज करना जेकर वो कोई भी एरर्स अक्कर होंगे, राइट। तो यह सारिया चीज़ा कौन हैंडल करता, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नैक्सट है ये कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट की है, दो तरह के कॉम्पोनेंट। पहला आप देखते हैं कॉमन टाइप सिस्टम। कॉमन टाइप सिस्टम काफ़ी तरह टाइप्स होंदियाँ ते ऑपरेशंस होंदे आ .NET फ्रेमवर्क दे विच, जिवें इंटीजर हो गया, लोंग हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे की टाइप आ। की दी टाइप है, ये कोई भी प्रोग्रामिंग असी के लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उदे विच जो भी डेटा टाइप्स असी यूज़ करते हो कि एक कॉमन टाइप सिस्टम आ, ठीक है। एक रिस्पोंसिबल आ कन्वर्ट करन दे विच अपने प्रोग्राम नू, जिसनू की आ CLR की आ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की आ अंडरस्टैंड कर सके, उस फॉर्मेट दे विच की है कन्वर्ट करदा साढ़े प्रोग्राम नू, ठीक है। ये दो तरह का होंदा, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। पहला आप देखते हैं वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप दे विच की होंदा का जिहड़ी भी डेटा टाइप आ, ठीक है, कोई भी मान लो डेटा टाइप आ, वो वैल्यू टाइप कदों होगी, जेकर वो क्या डायरैक्टली अपनी मैमरी दे विच की आ डेटा नू की आ डेटा दी वैल्यू नू क्या होल्ड करके रखदा अपनी ऑन मैमरी दे विच, अपनी मैमरी दे विच, ठीक है। तो वैल्यू टाइप स्टोर द वैल्यू डायरैक्टली इन टू द मैमरी, वो क्या डायरैक्टली कित्थे लोकेट करके रखदा, कित्थे स्टोर करके रखदा वैल्यू नू डायरैक्टली मैमरी लोकेशन दे विच, उहनू की आ कंपाइलिंग टाइम ते की मैमरी एलोकेट हो जाती है, वह तो हुंदा वैल्यू टाइप, जिहनू की कंपाइल टाइम ते मैमरी एलोकेट हो जाए अपने आप वो वेरीएबल नू। रेफरेंस टाइप की हुंदा, रेफरेंस टाइप की कंटेन करके रखदा मैमरी का एक एड्रैस, ओके डायरैक्टली वैल्यू नू स्टोर नहीं करता, ओके एक एड्रैस स्टोर करके रखता मैमरी दे विच, और डायरैक्टली वेरीएबल नू वैल्यू की आ नहीं दिंदा मैमरी दे विच। तो ये जिहड़े रेफरेंस टाइप आ, ये वेरीएबल नू मैमरी कदों मिलती है, जदों की आ रन करते हैं असं प्रोग्राम नू, तो रन टाइम पर की इनू मैमरी एलोकेट होंदी आ। वैल्यू टाइप दे विच डायरैक्टली वैल्यू मिल जाती आ वेरीएबल नू, तो कंपाइलिंग टाइम पर मिलती है, ठीक है। और रेफरेंस टाइप दे विच की सानू एक मैमरी एड्रैस दिता हुंदा, और डायरैक्टली वेरीएबल की वैल्यू नू क्या मैमरी दे विच स्टोर नहीं करता, तो एक की रन टाइम पर मिलती है, ठीक है। तो नैक्सट हैगा साडे कोले कॉमन लैंग्वेज स्पैसीफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पैसीफिकेशन की चीज़ आ, कुछ रूल्स होंदियां ते रेगुलेशन होंदियां इनू यूज़ करन दे लई, ठीक है। साडे जिहड़े .NET प्लेटफॉर्म दे उत्ते कोई भी प्रोग्राम रन करदे आ, ठीक है, डेटा टाइप्स जो भी यूज़ करदे आ, तो उन्हां दा की एक सैट ऑफ रूल्स होंदियां, रेगुलेशन होंदियां कि किस तरह इन्हां नू क्या यूज़ करना। जिवें कोई भी चीज़ लगा लो, नीचे रिस्ट्रिक्शंस दित्तियां होईयां ना, टर्म्स दित्तियां होंदियां, कंडीशंस दित्तियां होंदियां भी इस तरह इन्हां नू क्या यूज़ करना, राइट। तो सिमिलरली इहदे विच क्या सैट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंदियां दैट इनेबल्स इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑन .NET प्लेटफॉर्म।
एक एक सबसैट है CTS का। CTS की है कॉमन टाइप सिस्टम का, एदा की है सब सिस्टम आ। तो इस तरह की है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन दिती होंगे उन्होंने फॉलो करके असं अपने प्रोग्राम के असं अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करते हैं। तो यह सीगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो के दो कॉम्पोनेंट्स से कॉमन टाइप सिस्टम और कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन टाइप सिस्टम के दो तरह का होंगे, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। तो यह सारा टॉपिक की अज असी कवर कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सबसक्राइब माई चैनल और लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो और यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। थैंक्स।